students, welcome to the sixth lecture of Plumbing Services, fifth chapter, Sanitary Appliances. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो जो है यूरिनल के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे बाथ टब के बारे में, ठीक है. तो ये बाथ टब, तो हम ये विभिन्न प्रकार के जो है अपने सैनिटरी अप्लायंसेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो आज हम बाथ टब के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि नहाने के लिए जो टब बनाया जाता है, ठीक है, वो बाथ टब के नाम से जाना जाता है. तो जैसे कि हम जानते हैं बाथ टब, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, बाथ टब. तो क्या होता है बेटा बाथ टब, ए टब प्रोवाइडेड फॉर बाथिंग इज नोन एज बाथिंग टब. ए टब फॉर प्रोवाइडिंग बाथ इज नोन एज इज नोन एज बाथ टब. बाथिंग बात या बाथिंग टब, क्या कह रहा है, बात या बाथिंग टब. दे आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स, मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स, वेरियस मटेरियल्स सच एज मार्बल, सच एज मार्बल, मार्बल ग्लेज, फायर ग्लेज, ग्लेज फायर ग्लेज, ग्लेज फायर ग्लेज, प्लास्टिक, इनेमल्ड, आयरन, इनेमल्ड आयरन. क्या होता है इनेमल्ड आयरन, जो कि जिसके ऊपर जो है आयरन की जो है परत चढ़ी होती है, ठीक है, आयरन की जो है जो है उस आयरन के रंग की जो है परत चढ़ी होती है. कास्ट आयरन, पर्सोलिन, इनेमल, पर्सोलिन, इनेमल, जितने भी अपने प्लास्टिक वगैरह या किसी प्रकार के जो
वो टब उसके बनाए जाते हैं, ठीक है। और पब्लिक प्लेस लगा दी हुई, तो यहाँ पे जैसे करके
तो ऊपर से जो है पानी के बचाव के लिए नहाने के लिए किया जाता है। तो जो है जहाँ पे मैं कहा तो ये इनक्लोज जिसके जो है सेम ऊपर किसी भी एरिया पे बाइल द नोजल स्प्रे द नोजल स्प्रे ठीक है। नोजल क्या करती है स्प्रे करती है ऊपर से पानी की जो है बुछार करती है ठीक है। स्प्रे वाटर डाउन ऑन द बॉडी वाटर डाउन ऑन द बॉडी ठीक है। तो शरीर के ऊपर जो है पानी की जो है बुछार करती है ठीक है शावर के द्वारा। तो शावर सार प्राइमरली यूज फॉर शावर और प्राइमरली यूज फॉर हाइजीन एंड वॉशिंग पर्पस हाइजीन एंड वॉशिंग पर्पस ठीक है। हाइजीन एंड वॉशिंग पर्पस के से जो इसे शावर को जो प्रयोग किया जाता है। एंड आर ओपन द इंस्टॉल एंड ओपन इंस्टॉल ओपन इंस्टॉल इन बाथरूम इन बाथरूम्स। तो इसको जो है आमतौर पर जो है कहाँ लगाया जाता है बाथरूम के अंदर ठीक है। जहाँ तो स्नान घर के अंदर जहाँ पे हम स्नान करने के लिए रखते हैं ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना बिडेट बिडेट ठीक है। जो टॉयलेट के लिए जो नीचे बनाया जाता है ठीक है जैसे इंग्लिश टॉयलेट के अंदर बनाया जाता है तो वो क्या कहा जाता है बिडेट ठीक है। नेक्स्ट अप्लायंसेस क्या है ठीक है। इस तरह जो तो पहले बाथटब फिर शावर ठीक है। शावर किसके काम आता है तो नहाने के लिए ठीक है। एक जो एक जगह खड़े होके अपना उसके शावर के पानी से जो ऊपर से प्रेशर से जो स्प्रे कर देते हैं शावर ठीक है। तो उससे नहाने के काम आते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना बिडेट बिडेट नंबर 9 बिडेट। ए बिडेट इज ए सैनिटरी अप्लायंसेस इज ए सैनिटरी appliances sanitary appliances primarily designed to wash primarily designed to wash designed to wash designed to wash the excretory organs the excretory the excretory organs organ and may also be used as foot
ऑल्सो वी यूज एट फुटपाथ। तो क्या अभी जो जो है बाहरी जो भी जितना भी जो है गंदमल उसे जो है साफ करने के लिए या उसे धोने के लिए तो ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फुटपाथ के ऊपर भी मेनली तौर पर जो है यूज किया जाता है। ए हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई, हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई, हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई आर 30 mm इंटरनल डायमीटर millimeter diameter of internal diameter enabling cleaning। ठीक है,
तो ये था विडेट। तो विडेट क्या होता है भाई, जैसा कि वॉशिंग के लिए ये लगाया जाता है, एक प्रकार का ये ऐसा बना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ही बना होता है। कुछ कुछ जो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऊपर जो नट लगे होते हैं, ठीक है, ये नट के द्वारा यहाँ पे जो कैसा होता है, ठीक है, इन प्रकार के नट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एक विडेट, ठीक है। तो जो ये इसके द्वारा जो पानी जो है बाहर निकल जाता है, तो ये वॉशिंग के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। होल्ड एंड कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर इसके अंदर जो है दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये फ्लशिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे फ्लशिंग के होता है, ठीक है, उसके नीचे जो है ऊपर ये बैठने के लिए, तो नीचे फ्लशिंग के लिए, तो होल्ड एंड कोल्ड वाटर के लिए दो पाइप्स लगा दिए जाते हैं, तो ये विडेट कहलाता है। तो नेक्स्ट आएगा अपना मिक्सिंग टब और पॉप अप, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, मिक्सिंग एंड पॉप अप, ठीक है। तो क्या होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग टैप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टैप जो है उसके काम आता है, ठीक है, वॉशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है टैप जो है मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मिक्सिंग टैप और पॉप अप, ये दो ही रह गए अब हमारे, है ना, इसी लेक्चर में के लिए। तो ये था विडेट। तो आज हमने पढ़ा है जो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा बाथटब के बारे में, ठीक है। तो बाथटब जैसा कि हम जानते हैं कि वॉशिंग करने के लिए, ठीक है, स्नान करने के लिए बाथटब का प्रयोग किया जाता है, और ये अलग अलग प्रकार के जो है मटेरियल्स में पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आ गया था मार्बल या ग्लेज, ठीक है, ग्लेज फायर क्ले, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना प्लास्टिक, इनेमल्ड आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, और प्रेस्ड स्टील, ठीक है, जो जो है दबाया हुआ जो स्टील रहता है, ठीक है, वो उसको जो पिघला कर दबा कर बनाया जाता है। तो ये हमारे बाथिंग टब का लिए था। तो नेक्स्ट आ गया था हमारा शावर। तो शावर जैसे कि हम जानते हैं कि स्नान करने के लिए जो ऊपर जो है एक शावर लगा दिया जाता है, तो वॉशिंग के लिए के पर्पज से भी वो काम करता है, ठीक है। रेन वाटर की तरह वो जो है स्प्रे करता है ऊपर से, और जो है एक स्पेस में जो एक एरिया में खड़े होकर जो है स्नान कर सकता है शावर के नीचे। नेक्स्ट आ गया था अपना विडेट। तो ये भी वॉशिंग के लिए, ठीक है, या फ्लशिंग के लिए जो है यूज किया जाता है।
होता है जो विडेट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम करेंगे मिक्सिंग टैब के बारे में। धन्यवाद।